सो है गाइज, व्हाट्सअप, आई एम एल्टेर रीडिंग जोन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज की रीडिंग हमारी 2021 की न्यू ईयर रीडिंग में कुछ इस तरह से होने वाली है। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और गाइज, आप मेरे चैनल पे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल का आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना। और गाइज, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, इसे भी आप फॉलो ज़रूर कर देना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। चलिए गाइज, वीडियो की तरफ चलते। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में पिक्सआर्ट को ओपन कर लेना है और आपको ऐड फोटो के अंदर जाके आपको अपने बैकग्राउंड को ले लेना है। मैंने सभी बैकग्राउंड और PNG की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, हमारा ये बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। सो आपको अब नीचे की ओर जाना है। सबसे पहले आपको एफएक्स इफेक्ट के अंदर जाना है और गाइज, ये नीचे एफएक्स का ऑप्शन दिया है, इस एफएक्स के ऑप्शन में जाके आपको HDR को सिलेक्ट करना है। सो गाइज, ये HDR करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब नीचे की ओर जाके आपको ऐड फोटो के अंदर जाना है। ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइज, आपको इस फायर क्रैकर वाली PNG को ऐड कर लेना है और इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है और नीचे की ओर जाके ब्लेंड के ऑप्शन में जाके, ये ब्लेंड का ऑप्शन है, इसे ब्लेंड में आप जाने के बाद आपको स्क्रीन के ऑप्शन पे जाना है। तो स्क्रीन के अंदर जाने के बाद गाइस, कुछ इस तरह से हो जाएगा। सो आपको इसे बड़ा कर लेना है और अच्छे से इसे लगा देना है बैकग्राउंड के अंदर। और गाइस, ये ऊपर की तरफ इरेज का ऑप्शन है, इसके अंदर आपको जाना है। इसके अंदर जाने के बाद गाइस, आपको इरेज के ब्रश के ऑप्शन पे, इरेज के ऑप्शन पे चले जाना है और कुछ इस तरह से जो बिल्डिंग से कलर आया है उसे इरेज कर लेना है। अब गाइस, आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद गाइस, आपको नीचे ऐड फोटो के अंदर जाना है। ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइस, आपको ये एरोप्लेन वाली PNG को ऐड कर लेना है और ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से आप फिट कर लीजिए। और फिर डन करने के बाद गाइस, फिर से ऐड फोटो के अंदर जाना है और ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइस, 2021 वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेना है और जूम करके कुछ इस तरह से लगा देना है। फिर गाइस, आपको फिर से ऐड फोटो के अंदर जाना है और अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेना है। सो गाइस, मैंने फ़ोटो को कटआउट कर लिया। अगर गाइस आपको फ़ोटो कटआउट करना नहीं आती तो मैंने उस पर वीडियो बना दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए। सो गाइस, हमने फोटो को ऐड करने में डन कर लिया। और गाइस, फिर से ऐड फोटो के अंदर जाना है और ये हैप्पी न्यू ईयर वाले PNG को ऐड कर लेना है और इसे ब्लेंड के ऑप्शन में जाके स्क्रीन पे कर देना है और कुछ इस तरह से साइड में ऐड कर लेना है। अब डन करने में गाइस, आपको नीचे के ड्रॉ के ऑप्शन में जाना है। ड्रॉ के ऑप्शन में जाने के बाद गाइस, नीचे आपको क्लिक करना है और रेड कलर पे सिलेक्ट कर लेना है और आप ब्रश का साइज थोड़ा कम कर लेना है और कुछ इस तरह से साइड में आपको कलर कर लेना है। गाइस, ये कलर होने के बाद गाइस, आपको ऊपर की तरफ लेयर के ऑप्शन पे जाना है और इसे ओवरले पे सिलेक्ट कर लेना है
और ओपेसिटी को आप थोड़ी कम कर लीजिए। इस हमारे टी शर्ट का कलर कुछ इस तरह से हो चुका है। अब गाइस आपको ये ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, इसके क्लिक करना है और एम्प्टी लेयर कर देना है। और गाइस फिर से कलर के ऑप्शन पे जाना है और आपको ये नीचे ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहा है उस पर सिलेक्ट कर लेना है और अपने ब्रश का साइज कम कर लेना है। और हमें कुछ इस तरह से अपने पैंट को कलर कर लेना है। अगेन गाइज आपको लेयर के ऑप्शन पे जाना है, ओवरले के ऑप्शन पे जाना है और गाइज फिर से आपको एम्प्टी लेयर ले लेना है और वाइट कलर पे सिलेक्ट कर लेना है। अब गाइज हम अपने फेस को थोड़ा स्मूथ एंड ग्लो कर देंगे, तो इस तरह से आपको अपने फेस को कलर कर लेना है। अगेन गाइज आपको लेयर के ऑप्शन पे जाके ओवर लेके जाना है और इसकी ऑपेसिटी आपको कम कर लेना है। और गाइस डन करने के बाद आपको एफएक्स इफेक्ट के अंदर अगेन जाना है और एचडीआर इफेक्ट अगेन कर देना है और इसका ब्लर थोड़ा कम कर लीजिए, अनशार्प को भी थोड़ा कम कर लीजिए और फेड को भी कम कर लीजिए और डन कर लीजिए। और टूल्स के अंदर जाने के बाद एडजस्ट में जाना है और क्लियरिटी को थोड़ा हाई कर दीजिए और डन कर लेना है और गाइज इसे सेव कर लेना है। अब गाइज आपको अपने लाइटरूम एप्लीकेशन में चले जाना है और ऑटो पे सिलेक्ट कर देना है। तो गाइज इस तरह से हमारे फोटो में चमक आ चुकी है। और नीचे लाइट के ऑप्शन पे जाना है और गाइज हमें ऑरेंज पे सिलेक्ट कर लेना है और इसे -19 और लुमिनस को 27 कर दीजिए और सैटुरेशन को -33 और येलो वाले ऑप्शन में जाना है और ह्यू को -54 कर दीजिए और सैटुरेशन को 48 एंड लुमिनेंस को -20 कर दीजिए। अब गाइज आपको इस स्काई ब्लू कलर के ऑप्शन पे जाना है और ह्यू को -28 करना है और सैटुरेशन को 61 और लुमिनेंस को -19 और गाइस रेड वाले ऑप्शन में जाने के बाद -15 पे ह्यू कर दीजिए। और ब्लू वाले ऑप्शन को आप -29 कर दीजिए और डन करने के बाद टेम्परेचर को आप -16 कर दीजिए और टिंट वाले ऑप्शन को आप 10 पे रख दीजिए और वाइब्रेंस को आप 58 पे कर दीजिए और सैटुरेशन को गाइस आपको 12 पे रख देना है और नीचे वाले ऑप्शन में जाकर टेक्सचर को 32 कर दीजिए, क्लियरिटी को 19 एंड विगनेट -34 कर दीजिए और मिड पॉइंट को 38 और हाईलाइट को 18 कर दीजिए और नीचे के ऑप्शन में जाके शार्पनिंग को आप 52 कर दीजिए, डिटेल को थोड़ा कम करके 9 पे कर दीजिए, मास्किंग 21, नॉइस रिडक्शन 46 एंड डिटेल 33, कॉन्ट्रास्ट 21, कलर नॉइस रिडक्शन इसे 48 पे कर दीजिए। और प्रोफाइल के ऑप्शन पे जाना है और नीचे आर्टिस्टिक 3 पे सिलेक्ट कर लेना है। तो गाइस देखिए हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब गाइस आपको इसे अपने डिवाइस में सेव कर लेना है। सो गाइस कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।